नमस्कार, मैं सुशांत चौधरी। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किस तरह से हम वाइटल एनर्जी को एक्यूपंचर के थ्रू, मोक्षा के थ्रू और एक्यूप्रेशर के थ्रू हम उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है क्रोनिक ड्राउजीनेस, क्रोनिक डिजीज में रहता है कि पेशेंट लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन यूज करता है, एंटीबायोटिक यूज करता है, लेकिन उसका ड्राउजीनेस रहता है, वीकनेस रहता है, एंटीबायोटिक भी चलता है, आप विटामिन चलता है, फिर भी इम्प्रूवमेंट उतना नहीं देखा जाता है। तो उस जो हमने प्रैक्टिकली यूज किया है उसी को ही बताएंगे। तो ये देखते हैं एक्यूपंचर के थ्रू कैसे हम लोग कम से कम पॉइंट लेंगे और इफेक्टिव रहेगा। तो वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे पेरिकार्डियम मेरिडियन लेंगे, पेरिकार्डियम मेरिडियन का P6 P5, तो P6 पॉइंट लेंगे तो ये हम लोग का ट्रंक रीजन का जो है, तो उसमें जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको इम्प्रूवमेंट कराता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वीकनेस होने के कारण या फिर ओल्ड एज में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है तो उसको एनर्जेटिक करता है। तो इसमें हम लोग एक्यूपंचर कर सकते हैं, निडल करेंगे, उसका लोकेशन हम प्रैक्टिकली पापा का हाथ में देखेंगे। और ये दूसरा पॉइंट है P6 P6 तीनों इन मेरिडियन को बैलेंस करता है, जैसे लंग्स मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन और पेरिकार्डियम मेरिडियन तीनों को बैलेंस करता है, तो उसको भी लेंगे। और रहा दो, 1 2 चार पॉइंट लेंगे टोटल। और एक तो है CV4, इसमें थ्री कून नाभि नावल से 3 कून का दूरी पे है CV4। तो ये टोटली लोअर एब्डोमिनल का जो भी डिजीज है, यूरिनरी ट्रैक का जो भी डिजीज है, ये ओल्ड एज में जनरली देखा जाता है कि यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, पोस्ट एज का प्रॉब्लम रहता है, तो इसको हम लोग एनर्जेटिक करके रखेंगे तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आएंगे तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे। और एक तो दूसरा पॉइंट है स्पाइन में देखा जाता है GV4, गवर्निंग वेसल फोर, जहाँ हम लोग का रीब खत्म होता है, जस्ट उसका नीचे ही रहता है, तो उसको ट्रैक करना भी काफ़ी इजी है। तो ये रूट चक्रा को बैलेंस करता है और इसमें इतना एनर्जी है कि किडनी के एसेंस को हम लोग एनर्जेटिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कलर भी लगा सकते हैं, रेड कलर लगा सकते हैं, जैसे लो बीपी का केस में हम रेड कलर भी लगा सकते हैं, इसमें मोक्षा भी कर सकते हैं, इमरजेंसी केस में इसको मोक्षा भी करते हैं, नहीं तो फिर प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग में हम लोग इसको जस्ट इसमें अपना पाम देते हैं, पाम का जो हीट एनर्जी है इसमें एनर्जेटिक होती है, तो इसमें भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलती है। तो आइए हम देखते हैं 1 2 3 एंड 4 पॉइंट को कैसे हम लोग निडल के थ्रू करते हैं, तो उसका लोकेशन भी हम बताएंगे। जैसे P5 पहले लेंगे, P5 3 कून के दूरी पे है, बिल्कुल सेंटर पे है, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे हम लेंगे ये P5 पॉइंट है। P5 मास्टर तुम एक्यूपंचर का नी का जो स्वेलिंग रहता है, नी जॉइंट में पेन रहता है, उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है। और जैसे चेस्ट में लंग्स का कोई प्रॉब्लम रहता है उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो हम लोग और हार्ट का एनर्जी को बैलेंस करेंगे, लंग्स का एनर्जी को बैलेंस करेंगे, इस वजह से हम P6 लेंगे। P6 2 कून की दूरी पर है, ये 3 कून, यहाँ से 1 कून बाहर की तरफ आएंगे तो ये 1 कून लेंगे इधर में, ये हो गया P6। ये बायलेटरल लेंगे, सारा पॉइंट बायलेटरल ही लेंगे। अभी यहाँ से हम देखेंगे 3 कोण का दूरी पे, बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे CV4, CV4 दो बायलेटरल लेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसीलिए दिखा नहीं रहे। तो ये 1 2 और पीछे की तरफ भी इस तरह से, पीछे की तरफ निडलिंग करेंगे 1 2 3 4 पॉइंट। तो
ये हो गया निडल के थ्रू। इसमें हम लोग अगर किसी को निडल फोबिया है, निडल से डर लगता है, तो हम लोग इसमें एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर, इस पॉइंट को हम लोग प्रेस करेंगे, जैसे जिसका एनर्जी हाई है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और जिसका एनर्जी लो है तो क्लॉकवाइज करेंगे। आज पर सिचुएशन हम लोग उसको प्रेशर करेंगे, तो इसमें भी हम लोग प्रेस कर सकते हैं, प्रेस एंड रिलीज। इसमें प्रेस करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करो, तो उसमें भी उसको रिलीफ मिलेगा। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मोक्सा के थ्रू और कलर थेरेपी के थ्रू हम लोग कैसे वाइटल एनर्जी को एनर्जाइट कर सकते हैं। जैसे कि ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड इसलिए लगती है, हम लोग का किडनी एसेंस का जो किडनी एसेंस कमजोर हो जाता है, इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो उसको कैसे एनर्जी एनर्जेटिक कर सकते हैं, उसमें सबसे वाइटल पॉइंट है गवर्निंग वेसल 4 जो स्पाइन के में है, तो जो पीछे तरफ है, तो उसको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।